गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लेबर का चैप्टर पढ़ रहे थे। लेबर में हमने ओवर टाइम तक डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेबर में हम लोगों ने डिस्कशन करा था ओवर टाइम के बारे में। ओवर टाइम में हमने बोला था कि अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री एक्ट में कवर होगी तो उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। और लॉ ने हमें बोला था कि भाई एक दिन के अंदर 9 घंटे तक सिंगल टाइम वेजेस, 9 घंटे से ऊपर डबल टाइम वेजेस देंगे। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन था एक हफ्ते के अंदर 48 घंटे तक सिंगल टाइम वेजेस, 48 घंटे से ऊपर डबल तनख्वाह देंगे। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो पे करेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट। देखो ओवरटाइम हमारे पास एक सिचुएशन होगी कि ओवरटाइम हो रहा है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। दूसरा होगा ओवर टाइम हो रहा है ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। तीसरा ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड लेबर। ये तीन सिचुएशन। देखो ओवर टाइम अगर हमारे पास ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन के कारण है, मान लो मेरा जो कस्टमर है मेरे पास टाइम से आया, एक महीने में यूनिट बननी थी, एक महीने के लिए ही हमारे पास कस्टमर आया, उससे पहले ही आ गया, उसने हमें एक महीने का टाइम दिया काम करने के लिए, लेकिन मेरे वर्कर जो हैं वो दिक्कत वाले हैं, मेरे वर्कर जो हैं वो केयरलेस हैं, वो सही से काम नहीं करते। तो मेरे वर्कर जब सही से काम नहीं करते हैं तो मैं उन्हें क्या करूंगा, ओवर टाइम में बाद में बिठाना पड़ेगा क्योंकि अभी काम नहीं करा। कस्टमर बोलेगा भाई मैं तो टाइम से आया था और जब मैं टाइम से आया था तो ओवर टाइम के पैसे तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन हमें काम भी कंप्लीट करके देना पड़ेगा। उसके लिए जो ओवर टाइम वेजेस होगी उसको हम लोग चार्ज करेंगे कॉस्टिंग पीरियड लगाऊंगे। इन सब के नोट्स मैंने आपको भेज दिए, इसको चार्ज करेंगे कहां पर, कॉस्टिंग पीरियड लगाऊंगे। दूसरी सिचुएशन समझो, मान लो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर लेट आया और एक महीने के काम को वो एक हफ्ते के अंदर चाहता है तो हम कंप्लीट कर देंगे। उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट हम स्पेसिफिक कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। किससे रिकवर कर लेंगे, स्पेसिफिक कस्टमर जो ओवरटाइम करवा रहा है। थर्ड पॉइंट, हमारे पास स्किल्ड लेबर कम है तो हम लोग अपने लेबर को बोलेंगे भैया हमारे पास स्किल्ड लेबर कम होने के कारण हम लोग नॉर्मल फीचर के अंदर, नॉर्मल टाइम के अंदर वेजेस ओवर टाइम लेकर चलेंगे और यहाँ पर पैसे कस्टमर से रिकवर किए जाएंगे बाय कंप्यूटिंग एवरेज वेज रेट पर आ। एवरेज वेज रेट पर आ वो कैसे निकलेगा, ओवर टाइम वेजेस प्लस नॉर्मल टाइम, पहले लिख लो नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम प्लस में ओवर टाइम।
इससे एक एवरेज वेज रेट पर आर निकल जाएगा और इसके पैसे हम कस्टमर से मांगेंगे। एवरेज पर ये एवरेज वेज रेट पर आर के पैसे हम किससे मांगेंगे? कस्टमर से मांगेंगे। तो ये एक सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है, जिससे कि हमारे पास, हम लोग आगे इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। पेज नंबर देखेंगे, मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, दिख जाएगा आपको ओवर टाइम के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम मिला, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो पहला पॉइंट, इफ ओवर टाइम अकर्स एज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, इन सच केसेस ओवर टाइम इज टू बी रिकवर फ्रॉम द स्पेसिफिक कस्टमर। मैंने इसमें पहला पॉइंट ये देखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि ओवर टाइम अगर हमारे पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, तो उसके पैसे भी स्पेसिफिक कस्टमर से मांगेंगे। दूसरा, ओवर टाइम अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल इवेंट, इन सच केसेस ओवर टाइम कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, इन सच केसेस ओवर टाइम इज टू बी चार्ज टू द कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ये रहा थर्ड पॉइंट, इफ ओवर टाइम अकर्स ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड लेबर, इन सच केसेस ओवर टाइम कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय कंप्यूटिंग एवरेज वेज रेट पर आवर, दैट इज नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आवर प्लस ओवर टाइम। तो ये हमारे पास सिचुएशन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ, फिर हमें क्लियर होगी बात। पेज नंबर है 65, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े जरा एक बार, क्या कह रहा है, क्या सिचुएशन बोलता है, हमें क्या क्या बता रहा है, एक बार देखो। देखें इसमें क्या लिखा हुआ, कहता कंपनी बेसिक वेज रेट 6 रुपए पर आवर, ठीक, कहता कंपनी का बेसिक पे वेज रेट जो है वो 6 रुपए है, ओके। क्वेश्चन 14 के बाद हम लोग इंसेंटिव पर आ जाएंगे, मतलब अभी 11 भी बाकी है, वो भी करेंगे हम। नॉर्मल वेजेस जो है, नॉर्मल वेजेस ₹6 पर आवर, ठीक, आगे बताओ। इवनिंग वाला बताता है ये कि इवनिंग वीक, इवनिंग में टाइम एंड 1/3, कहता है इवनिंग में जो काम करेगा 6 रुपए तो मिलेंगे और 6 रुपए का 1/3 भी मिलेगा, मतलब कि 8 रुपए पर आवर। वीकेंड की बात कर रहे हैं, वीकेंड में डबल मतलब 6 + 6 = 12 रुपए। एवरेज वेज रेट पर नॉर्मल वेजेस प्लस ओवरटाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल नॉर्मल टाइम प्लस में ओवर टाइम, इससे एवरेज वेज रेट निकल जाएगा। इसने देखो क्या बोला है, कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर्क नॉर्मल टाइम 2,20,000 आवर्स, टाइम प्लस 1/3 20,000 आवर्स, डबल
हमारे पास 10,000 आवर्स। फिर इसने बोला जॉब वन में नॉर्मल 3,000, 5,000, 4,000, इवनिंग में 300, 600, 1,050, वीकेंड में 100, 50, 300। वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। खुद ही बता दिया इसने कि भाई लेबर की शॉर्टेज होने के कारण काम करो। तो हम लोग कर लेते हैं बताओ एवरेज वेज रेट कैसे निकलेगा। नॉर्मल हमारे पास हम 2,20,000 आवर्स काम कर रहे हैं, 2,20,000 आवर्स इंटू में 6 रुपए प्लस हमारे पास 20,000 आवर्स इंटू में 8 रुपए, 20,000 आवर्स इंटू में 8 प्लस 10,000 आवर्स इंटू में 12, इनको डिवाइड कर दो। नॉर्मल टाइम 2,20,000 घंटे प्लस 20,000 घंटे प्लस 10,000 घंटे, हमारे पास हम इसे कंप्यूट करेंगे देखो क्या आता है हमारे पास 6.40 रुपए आ जाएंगे। मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, मैं लेके आता हूँ। आप कंप्यूट कर लो, हो गया होगा कैलकुलेट, पता करता हूँ कैलकुलेट। 2,20,000 इंटू में 6 प्लस 6.40 रुपए एवरेज वेज रेट पर आवर कितना हो गया 6.40 रुपए। अब उसने बोला है कि लेबर कॉस्ट बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू ईच जॉब, ईच जॉब। यहां पर हमारे पास क्या है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर, तो जॉब वन आर्ट्स रेट अमाउंट, जॉब वन में नॉर्मल 3,000, इवनिंग 300, वीकेंड 100, सबको प्लस कर दो क्योंकि सबका एक ही रेट होगा, यहां सबका एवरेज वेज रेट होगा। तो 3,400 आवर्स रेट है 6.40 रुपए, तो 3,400 इंटू में 6.40 रुपए 21,760। जॉब नंबर टू 5,650 इंटू में 6.40 रुपए 5,650 इंटू में 6.40 रुपए 36,160। जॉब नंबर थ्री में देखो 4,000 प्लस 53 5,350 इंटू में 6.40 रुपए 34,240 रुपए
मतलब लेबर की शॉर्टेज होने के कारण नॉर्मल पॉलिसी है तो हम लोग कस्टमर से पैसे मांगेंगे बाय कंप्यूटिंग एवरेज वेज रेट पर आवर नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस ओवर टाइम डिवाइडेड बाय नॉर्मल आवर्स प्लस ओवर टाइम आवर्स वेज रेट आ गया। टोटल आवर्स लेकर 6 रुपए 40 पैसे टोटल आवर्स इंटू 6 रुपए 40 पैसे टोटल नॉर्मल इवनिंग वीकेंड सब ले लिए। अब अगला पॉइंट का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ बाकी आप करोगे। कहता है वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली वेयर ओवर टाइम इज वर्क स्पेशली एज अ रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर की बात कर रहे हैं ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर था। कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट ईच जॉब इसका कारण है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। एक तरफ लिख दो नॉर्मल इवनिंग वीकेंड। नॉर्मल हमारे पास कितना था जॉब वन की बात कर रहा हूँ। जॉब टू और थर्ड आप घर से कर सकते हो सिमिलर है। नॉर्मल हमारे पास 3000 तो नॉर्मल वालों से नॉर्मल रेट मांगेंगे 6 रुपए 18000 रुपए। इवनिंग वाले बोल रहे हैं 600 रुपए 600 घंटे रेट है 8 रुपए 4800 रुपया। वीकेंड में काम कर रहा है अच्छा 600 नहीं है 300 है भाई 2400। यहां पर है 100 और रेट है 1200 रुपया। इन सबको टोटल कर दो। इसी तरीके से हम जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री के लिए निकालेंगे ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नॉर्मल वाले से नॉर्मल टाइम वेजेस इवनिंग वाले से इवनिंग रेट और वीकेंड वाले से वीकेंड का रेट मांग लेंगे तो ये तो हो जाएगा। आपसे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसे जल्दी से कॉपी कर ले फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते वो पेंडिंग है हमारा जल्दी करो। चलो भाई क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 बोलता है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी। ए और बी की अर्निंग बताओ। कहता है और वो एक्स वाई जेड में काम भी कर रहे हैं।
बेसिक वेज रेट 100 रुपए और 160 रुपए, डीए दे रखा 50% 50%, पीएफ दे रखा है, ईएसआई दे रखा 2% बेसिक का, ओवरटाइम ए में दे रखा 10 घंटे, नॉर्मल वर्किंग आवर 200 घंटे हमारे पास, ओवरटाइम इज टू बी पेड डबल द नॉर्मल वेज रेट प्लस डीए, नॉर्मल तनखा प्लस डीए मिल रहा है, एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड दे रखा है हमको, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सेम है, 25 दिन काम कर रहा है, आवरली दे रखी है बातें, 2 वर्कर एम्प्लॉयड है एक्स वाई जेड में, प्रोपोर्शन दे रखे हैं, ए जॉब है हमारे पास, वर्कर ए जो है जॉब एक्स में 40%, जॉब वाई में 30%, जेड में 30% काम कर रहा है, बी नाम का वर्कर 40% 20% 30% काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम बेसिक वेज रेट पर आर निकालेंगे, बेसिक वेज रेट पर हमारे पास ए वर्कर है, बी वर्कर, बेसिक पे चेक करो 100 रुपए और 160 रुपए, 100 रुपए 160 रुपए दिए, 50% टाइम का 50 रुपए और 80, उसके बाद क्या हो गया, पीएफ है 8%, किस पर है, बेसिक पे है, किस पर है, बेसिक पे ही है, 8% है, 100 रुपए का 8% तो 8 रुपए, 160 रुपए का 8% है, आगे चेक करो क्या रखा, ईएसआई देख 2% है, 100 रुपए का 2%, 2 रुपए, 160 रुपए का 2%, 160 रुपए का 2% है, 3 रुपए 20 पैसे, टोटल कर दो 100 प्लस 10 160 रुपए, 160 प्लस 80 प्लस 12 रुपए 80 पैसे प्लस 3 रुपए 20 पैसे, 256 रुपए वर्किंग आवर्स, इसके वर्किंग आवर्स 200 है, दोनों के 200 है, पार्ट नहीं होता, ठीक है ना, तो हमारे पास 160 डिवाइडेड बाय 280 पैसे और 256 रुपए डिवाइडेड बाय 200 1 रुपए 28 पैसे, अब हमें निकालना है कि उनकी हर जॉब में कैसे पैसे निकलेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ
लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू ईच जॉब, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू ईच जॉब। हमारे पास बोल रहा है एक ही बात करें, एक ही बात करते हैं, एक्स वाई जेड में काम कर, ए नहीं ओवर टाइम भी करा और ओवर टाइम वाई में करा उसने लिखा है, यहां आर ले लो, यहां रेट ले लो, यहां अमाउंट, यहां पर एक्स जो है, एक्स जो है काम करता है 40%, 200 का 40%, 80 घंटे, रेट कितना था ए का 0.80, यहां पर 200 का 30%, 60 आवर्स, रेट 80%, यहां पर ओवर टाइम भी है, यहां ओवर टाइम भी है, ओवर टाइम जो दे रखा है वो है 10 आवर्स, इसका रेट इसने बोला था ओवर टाइम का, पढ़ो, ओवर टाइम इज टू बी पेड फॉर द डबल, डबल द नॉर्मल रेट प्लस डी, बेसिक पे कितना था 100 रुपए, 100 रुपए था और डीए 50 था, टोटल कितना होगा 150, यहां कर देता हूं 150 हुआ, 150 या 200 घंटे के लिए, तो एक घंटे का 75 पैसे आएगा, उसका दुगना देना यानी कि 150, रेट होगा 150, Z में कुछ नहीं होगा, Z में सेम है, 200 का 30% कितना 60 R into 0.80, अस्सी इंटू में 0.80 64 रुपीज, 48 रुपीज, 48 रुपीज, बस टोटल कर लेना कोई दिक्कत थोड़ी है, 63 48, दूसरे का तो आसानी है, सुन तो कुछ, बी के लिए काम करोगे तो बी ने भी एक्स में जेड में काम करा, बी जो एक्स में 50% काम कर रहा है तो 200 का 50% कितना होगा, 200 का 50% होगा 100 हो गया, 100 का रेट कितना है, रेट होगा 80 पैसे, नहीं इसका रेट अलग है, 1 रुपया 28 पैसे, और इसने 200 घंटे काम करा, 200 घंटे का कितने परसेंट है 20% है, मतलब 40 घंटे रेट है 1 रुपया 28 पैसे, और ये 200 है, 200 का कितने परसेंट है 30% है, 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कॉपी कर ले, फिर आगे देखते हैं, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 पे आ गए, 15 का मतलब है इंसेंटिव्स, अब इंसेंटिव की बात करेंगे, पहले आप इसे कॉपी कर ले, इसमें एक ही पॉइंट था जो मेन लगा मुझे कुछ थोड़ा, कि ओवर टाइम जो है घूमना देना है, बेसिक पे प्लस डीए 150 रुपए, बेसिक पे प्लस डीए 150 रुपए, 200 घंटे का, एक घंटे का 75 पैसे आया, 75 पैसे का दुगना देना, 75 पैसे का दुगना हो गया 1.5 रुपए, तो 1.5 रुपए लेट ले लिया हमने, 10 घंटे के लिए 1.5 रुपए के हिसाब से 15 रुपए आ गए, तो ये जल्दी से कॉपी करें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इंसेंटिव की बात करें, जल्दी कॉपी कर लें।
हो गया होगा कॉपी, आगे चले हम। अब हम लोग गेम सेंटर पढ़ेंगे। हम लोग इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे। जिसमें देखो इंसेंटिव क्या होते हैं, इंसेंटिव होते हैं बोनस वगैरह देते हैं हम। दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन किसमें होता है? पैसे में। तो हम लोग इसके बारे में सीख रहे हैं, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इंसेंटिव्स करने हमें आज से स्टार्ट। अब इंसेंटिव्स चलेंगे, इंसेंटिव्स के बाद लेबर टर्नओवर और फिर जाकर चैप्टर कहीं खत्म होगा। प्लीज ध्यान देना, इंसेंटिव और बोनस की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने। इंसेंटिव क्या होते हैं? इंसेंटिव होते हैं बोनस। दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसे में होता है। आप किसी से जॉब कर रहे हो और आपको सैलरी ना मिले तो आप लोग काम नहीं कर पाओगे, और अगर अच्छा काम कर रहे हो उसका रिवार्ड ना मिले तो अच्छा काम ना कर पाओगे। और रिवार्ड जो है सिर्फ मेडल्स और इन टर्म्स में नहीं, रिवार्ड जो है मॉनिटरी होना चाहिए। तो हम लोग इंसेंटिव्स में यही सीखने वाले हैं कि एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करेगा तो हम उसको किस तरीके से रिवार्ड इंसेंटिव्स दे सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, एग्जांपल कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इंसेंटिव हम कर रहे हैं, आप एक एग्जांपल देखिए। हमारे पास तीन वर्कर ले लेते हैं, ये रहा मिस्टर ए, ये रहा मिस्टर बी। आप इसको ऐसे कॉपी करेंगे, और ये रहा मिस्टर सी। इनको किसी काम को करने के लिए टाइम दिया जाता है 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स। टाइम अलाउड जो है 8 आवर्स है। टाइम टेकन जो ए है बहुत ही एफिशिएंट है, वो 8 घंटे के काम को 4 घंटे में करता और टाइम सेव कर लेता 4 घंटे। मिस्टर बी बोलता इतनी जल्दी क्या है, 8 घंटे के काम को 8 घंटे में करता है, टाइम सेव 0। मिस्टर सी बोलता है ये लो जी मैं तो 8 घंटे के काम को करने में 16 घंटे लगाऊंगा, इसका भी टाइम सेव कुछ नहीं। वेज रेट पर आर हम 10 रुपए ले लेते हैं। वेज रेट पर आर हम लोग ने 10 रुपए ले लिया। अब तनख्वाह बांटने की बारी आएगी तो हम क्या बोलेंगे, टाइम टेकन इनटू वेज रेट। इसका टाइम टेकन 4 आवर्स है और 1 घंटे का जो इसका प्राइस है वो 10 रुपए है, तो 4 आवर इंटू 10 रुपए 40 रुपए दे दिए हमने। 8 आवर्स इंटू 10 रुपए 80 रुपए दे दिए हमने, और 16 घंटे इंटू में 10 रुपए 160 रुपए दे दिए। आपको क्या लगता है कि यहां पर कुछ न्याय हुआ? यहां दिक्कत है, यहां मिस्टर ए को दिक्कत हो जाएगी। बी मिस्टर ए से बोलेगा भाई तूने 8 घंटे के काम को करने में 4 घंटे लगाए लेकिन तनख्वाह तो तुझे 40 रुपए मिली। मिस्टर बी को सी बोलेगा अरे तू चुप हो जा भाई, तूने तो 8 घंटे के काम को 8 घंटे में करा, बल्कि मैं तो 8 घंटे के काम को 16 घंटे में करूंगा, आज की भी तनख्वाह पूरी
और कल की भी कमा लूंगा। तो मेरी बात सुनना, इस सबसे बात है दिक्कत किसको होगी, मिस्टर ए को। तो हाल से क्या कहता है कि मिस्टर ए को रिवॉर्ड बोनस देना चाहिए और बोनस देंगे हम उसका 50% जो भी उसने टाइम सेव की वेजेस बनती है। इसने टाइम सेव करा कितना, 4 घंटे, 1 घंटे के कितने पैसे, 10 रुपए, 4 घंटे के 40 रुपए। तो हालसे जी कहते हैं 40 रुपए में से 50% तो मिस्टर ए को दे दो और 50% कंपनी का। तो कंपनी का भी फायदा, इंप्लॉय का भी फायदा, तो ये 50% शेयरिंग लगा देते हैं। तो हालसे ने क्या बोला, हालसे ने बोला इसे बोनस दो, और बोनस कैसे दो, हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। तो हमारे पास हाफ कितना है, हाफ इंटू टाइम सेव कितना है, 4 घंटे, वेज रेट कितना है, 10 रुपए, 40 रुपए का हाफ 20 रुपीज, 20 रुपीज ए को मिलेगा और बाकी 20 रुपीज जो है किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास। तो इनको कोई बोनस नहीं मिलना क्योंकि इनके टाइम से कुछ है नहीं। तो इसकी तनख्वाह बनी 60 रुपीज, इसकी बनी 80 और इसकी 160। आप सोच रहे हो कि अभी भी तो ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं है। इसको जो वेज रेट मिल रहा है इसके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 4 है, इसके इफेक्टिव वर्किंग आवर 4 है और इसको 1 घंटे के पैसे वेज रेट पा रहा, इसका वेज रेट 1 घंटे का 15 रुपए हो गया, इसको 8 घंटे ही मिले थे, इसको 10 रुपए ही मिलेंगे, इसको 16 घंटे के मिले कोई बोनस नहीं, तो इसको 10 रुपए ही मिलेंगे 1 घंटे के। तो रियलिटी में मिस्टर ए खाली थोड़ी ना बैठेगा, जब वो 4 घंटे काम कर लेगा, 8 घंटे के काम को 4 घंटे में करेगा, उसके बाद भी तो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो और काम करेगा। तो रियलिटी में उसका वेज रेट पर आर 15 है, बाकियों का 10 रह गया। ये हाल से जी बोलते हैं, इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी मैंने आपको सेंड करी है, उसको हम पढ़ते हैं, पहले आप इसे कॉपी कर ले, ठीक है, पहले इसकी नोटिंग कर ले, समझ ले, फिर मैं हाल से की थ्योरी पर चलता हूं कि थ्योरी में क्या बोलते हैं हाल से जी। थ्योरी मैंने तुम्हें भेजी है, वैसे तो ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, हाल से रोवन दोनों की बातें करेंगे, आज सिर्फ हाल से और रोवन की बात करेंगे हम, जल्दी करें आप। ये किस प्लान के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ये सर आपने हाल से के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, मैं यहां लिख देता हूं, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान, हाल से बोनस प्लान। इसकी थ्योरी हम देखेंगे अभी, वैसे तो मैंने बुक्स आपको भेज दी है लेकिन वो भी हम देख लेते हैं, जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो। जल्दी से नोटिंग करें, फिर इसकी थ्योरी पर चलेंगे हम, फिर हाल से के बाद रोवन प्लान की बात करेंगे कि रोवन साहब क्या बोलते हैं। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करेंगे हम आज,
सिर्फ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे हाल से और रोमन से। नेक्स्ट क्लास में फिर और बोनस प्लान को उठाएंगे, आज इससे रिलेटेड ही चर्चा करेंगे हम। तो जिन बच्चों का लेबर का चैप्टर बचा हुआ था वो करते जाएं प्लीज। लेबर के बाद तुम्हारा जो रह गया था हमारा लॉकडाउन से पहले चैप्टर हमारा, मतलब मेन क्लास में तो मैं दो बार पढ़ा चुका हूं, मतलब जो ऑन गोइंग क्लास थी मेरी, दो बार मॉर्निंग के बैच में, दो बार इवनिंग के बैच में, और अभी एक बार और मैं दोबारा कराऊंगा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा था। उसके बाद मुझे लगता नहीं है किसी का कुछ रह जाएगा, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी कर लिया होगा, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। आ जाओ हाल से। हाल से क्या कहता है पढ़ो, हाल से प्लान। मैंने थ्योरी भेजी है आपको, यहां पर लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। पढ़ो हाल से प्लान। अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान, वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट टाइम वेजेस। टाइम वेजेस का मतलब टाइम टेकन इन टू वेजेस, ये तो मिलना ही मिलना है। अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान, वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट टाइम वेजेस फॉर द टाइम टेकन बाय हिम ऑन अ गिवन जॉब, एंड ऑल्सो बोनस विल बी अलाउड 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। बोनस कितना मिलेगा? जितना भी टाइम सेव्ड की वेजेस बनती है उसका 50%। अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान, वेजेस कैसे कंप्यूट करेंगे, हाल से में कैसे फॉर्मूला बन जाएगा वो देखें। हाल से में फॉर्मूला बनेगा, हाल से प्लान बोलेगा टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। ये हमारे पास बोनस है, ये हमारे पास बोनस है, ये हाल से के अकॉर्डिंग। तो उसकी थ्योरी आपके पास है। अब मैं रोमन की बात करता हूं। ये कॉपी आपने कर लिया, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज करना देखें। अब मैं बात कर रहा हूं रोमन प्लान की, अब हाल से की बात नहीं कर रहा, मैं रोवन प्लान की बात कर रहा हूं। हमारे पास रोवन की बात कर रहे हैं हम, रोवन प्लान। हमारे पास 8 आवर्स का टाइम था, टाइम अलाउड 8 आवर्स के लिए था टाइम अलाउड। इसको चेंज कर देता हूं मैं, हमारे पास 8 आवर्स लग रहे थे, 8 आवर्स टाइम अलाउड है, इसने 8 आवर्स के काम को करने में 5 आवर्स लगाए तो 3 घंटे बचाए। तो 5 × 10 रुपीज ये तो मिलेंगे मिलेंगे इसे 50 रुपए, ये 50 रुपीज तो इसे मिलने ही मिलने। बोनस जो होता है, रोमन बोलता है बोनस देंगे इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड। यहां 50% नहीं है, यहां प्रोपोर्शन लगाई जाएगी, बोनस मिलेगा इस प्रोपोर्शन में कि टाइम टेकन कितना है इन रिलेशन टू टाइम अलाउड। इससे टाइम टेकर अपॉन में टाइम अलाउड, इससे हमारे पास एफिशिएंसी निकालकर टाइम सेव से इनटू करकर वेज रेट निकलेगा। तो रोवन की कुछ बातें हाल से अलग है, ठीक। तो यहां पर टाइम टेकर कितना है 5 आवर्स, टाइम अलाउड कितना था 8 आवर्स, टाइम सेव कितना है 3 आवर्स, और वेज रेट कितनी है 10 रुपए। तो इसके अंदर हम इसकी तनख्वाह निकालेंगे। तो ये क्या बोलता है देखिए आप, हमारे पास
फाइव आवर्स काम किया, आठ घंटे का टाइम दिया था, इंटू में थ्री आवर्स इंटू में टेन, अट्ठारह रुपए पचहत्तर पैसे 68.75 आ गया। और 68.75 जो है वो फाइव आवर्स काम करने की कॉस्ट है, तो हमारे पास एक घंटे के पैसे इसके बनेंगे 68 रुपए 75 पैसे डिवाइडेड बाय 5, 13 रुपए 75 पैसे, 13 रुपए 75 पैसे। और एक और समझो, इसके अंदर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं रोवन की, तो रोवन की थ्योरी मैंने आपको सेंड करी, आप देखो पढ़ो थ्योरी क्या बोलती है। कहता है अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान, कहता है अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट टाइम वेजेस, अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान वर्कर शुड बी पेड एटलीस्ट टाइम वेजेस, टाइम टेक वेजेस मतलब टाइम रेट या टाइम वेजेस, टाइम टेकन टू वेज रेट होता है, एंड ऑल्सो बोनस विल बी अलाउड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड, तो टाइम टेकन टू टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, तो हमारे पास ये निकल गया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा, रोवन का फॉर्मूला बनेगा, रोवन का फॉर्मूला बनेगा टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, कुछ इस तरीके से रोवन प्लान का फॉर्मूला बनेगा। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। आपको ए और बी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है रोवन में, रोवन में सिर्फ मतलब बी और सी कॉपी नहीं करना, ए का कॉपी कर लो बात समझ आ जाएगी, ये एग्जांपल जरूर नोट कर लेना। बी और सी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए का जो है आप कॉपी कर ले तो काम चल जाएगा। जल्दी से नोटिंग करें, मैं आपका वेट कर रहा हूं अभी, फिर हम आगे चलेंगे। सिर्फ ए का नोटिंग करना, बी और सी तो सेम ही है क्योंकि उनका बोनस बन ही नहीं रहा था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको नोटिंग करें, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ से रोवेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओगे इसके बाद, पेज नंबर है 65, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से कॉपी कर लेना, बी और सी तो कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक ही नोटिंग भी हो गई होगी, इतना टाइम लगना नहीं था। अब देखो मेरी बात सुनना, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक बार आप रीड करो 15 क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है वर्कर शुड टेक 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस, कहता है वर्कर जो है 9 आवर्स लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 65, कहता वर्कर जो है, वर्कर टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 आवर ऑन स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ रिजल्ट।
कहता 9 आवर्स नॉर्मली लेता और 6 घंटे हमारे पास क्या है, अगर कोई हम लोग स्कीम देते तो 6 आवर लेता है, तो हमारे पास इसका टाइम टेकन कितना है, इसका टाइम टेकन 9 आवर्स है, लेकिन बोनस दिया जाता है तो इसका टाइम टेकन 6 आवर्स है। 6 आवर्स है तो टाइम से कितना हो गया 3 आवर्स, और वेज रेट पर आ बताओ, वेज रेट पर आ रहा है 75 पैसे, वेज रेट पर आ रहा है 75 पैसे। तो एक तरफ हाल से का कॉलम बना ले हम, हाल से प्लान, और एक तरफ रोमन प्लान। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, हाल से में वेजेस निकलती थी टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। टाइम टेकन 6 आवर्स है, 6 आवर इंटू में 75 पैसे प्लस हाफ इंटू टाइम सेव 3 आवर इंटू में 75 पैसे। इसको सॉल्व कर लो, 6 × 75 4.5 रुपए, 5.625 रुपीज। ठीक, रोहन साहब ने क्या बोला था, टाइम टेकन इंटू वेज रेट देना प्लस टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू वेज रेट देना। टाइम टेकन कितना है 6 आवर इंटू में 75 पैसे, टाइम टेकन कितना है 6 आवर अपॉन में 9 आवर्स इंटू में टाइम सेव 3 आवर इंटू में 75 पैसे। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 6 बाय 9 इंटू में 3 इंटू में 75 पैसे प्लस 4.5 6 रुपए आ रहे। अब सुनो प्लीज ध्यान दें, इसने कॉस्ट शीट बनाने को बोली है, कहता है हमारे पास मटेरियल 4 रुपए का है, ओवरहेड 150% ऑफ टोटल लेबर, फैक्ट्री कॉस्ट बता दें। तो कॉस्ट शीट तो तुम सबको अच्छे से आती है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट शीट में हम लोग डिस्कशन करें हमारे पास मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल दोनों में सेम रहेगा 4 रुपए। यहां भी बना दो कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल दोनों में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपए, डायरेक्ट वेजेस ले लो, डायरेक्ट वेजेस है 5.625, इनको जोड़ दो प्राइम कॉस्ट बताओ कितनी आई, 9.625 आ गए। यहां डायरेक्ट वेजेस अलग है, यहां डायरेक्ट वेजेस 6 रुपए, प्राइम कॉस्ट बताओ कितना 10 रुपए, ओवरहेड्स बताओ कितना है, ओवरहेड्स दे रखा फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% ऑफ लेबर, तो 150% ऑफ 5.625, इन सब को जोड़कर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, इन सबको जोड़कर फैक्ट्री कॉस्ट। तो 5.625 इंटू 150%, 8.437 प्लस कर दो 9.625, 18 रुपए, कितना यहां पर भी फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारे पास कितना आ गया, 6 रुपए का 150% आ गया 9 रुपए, और फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारे पास कितनी 19 रुपए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 19 रुपए हमने लगा लिए, तो ये कॉस्ट शीट बन गई।
ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोटिंग करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे। जल्दी से इसकी नोटिंग करें। कुछ सिमिलर क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दूंगा, वो आपको करके आने होंगे। जल्दी से नोटिंग कर रहे हैं। हो गया होगा नोटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मैं आपको 18 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। 18 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 16 पढ़ रहे हैं। कहता है अ वर्कमैन वेज रेट फॉर अ गारंटेड 44 आवर्स इज 0.75 पर आवर। कहता है इसको हम लोग 44 घंटे के 75 पैसे देंगे ही देंगे। द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल 30 मिनट्स अंडर इंसेंटिव स्कीम इस टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 20% ड्यूरिंग द वीक्स 100 आर्टिकल इसने बनाए। रोवन हाल से टाइम रेट, इसने तीन चीज पूछी है, हम तीनों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। जो रेटिंग मैंने दिया बिल्कुल से आसान है, उसमें टाइम टेकन टाइम सेव सब कुछ ही है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना हो जाएगा आपसे। पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 16। टाइम अलाउड, मैं लिख रहा हूं टाइम अलाउड पर आर्टिकल 30 मिनट्स है, लेकिन ये 30 मिनट जो है 20% से बढ़ा दिए, तो 20% से बढ़ा दिए तो 36 मिनट लगेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे टाइम अलाउड फॉर 100 आर्टिकल। एक आर्टिकल में 36 मिनट, 100 में कितने, 3600 मिनट। 3600 मिनट को हम आज में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट पर आ रहा होता, तो हमारे पास कितने आवर्स हो गए, 60 आवर्स हो गए। तो टाइम टेकन हमारा 60 आवर, नहीं अलाउड,
और टाइम टेकन उसने बोला ही था 44 है, टाइम सेव हो गया 16। बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग बोले इसने रोवन बोला, पहले मैं रोवन बता देता हूं। रोवन प्लान वो बोलता था टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड इनटू में टाइम सेव, टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड इनटू में टाइम सेव इनटू वेज रेट। तो टाइम टेकन 44 आवर्स है, वेज रेट 75 पैसे दे रखे। टाइम टेकन है 44 आवर्स डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड कितना है 60 आवर्स, टाइम सेव्ड है 16 इंटू में 75 पैसे निकाल लो जो भी। हाल से क्या बोलता था, हाल से प्लान ने बोला था टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। तो टाइम टेकन कितना है मेरे पास 44 आवर्स इंटू में 75 पैसे प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड 16 आवर्स इंटू में 75 पैसे। कैलकुलेशन कर लो इनकी। और टाइम रेट क्या होता है वो तो सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया था। टाइम रेट होता है टाइम टेकन इंटू वेज रेट की जितने आर्स काम करे उतने ही पैसे मिलेंगे। इसने 44 आर्स काम करे 75 पैसे के हिसाब से इसको पैसे मिल जाएंगे जो भी बन रहे 44 का 75 पैसा 33 रुपए। अब इन्हें सॉल्व कर ले 44 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 16 इंटू में 75 पैसे प्लस 33 41.80 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 75 पैसे प्लस 33 रुपए 39 रुपीज। तो कोई दिक्कत नहीं है, रोमन में हमारे पास ये चीज अप्लाई होनी है, हाल से में ये और टाइम रेट में ये, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 16 हो गया, 18 होमवर्क दिया है, 17 हम कर रहे हैं, जल्दी से आप इसे कॉपी करें। 17 और 19 ये दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आज आपको, फिर अगली क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे। अकेला क्वेश्चन पढ़कर आना 20 आप। मैं क्वेश्चन नंबर अभी 17 और 19 करूंगा, जल्दी से आप लोग इसकी नोटिंग कर लें। क्वेश्चन
एबीसी इन अ पर्टिकुलर डे प्रोड्यूस 200, 250, 300 पीसेस रिस्पेक्टिवली. द टाइम अलाउड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ एम इज 1 आवर. ए घंटे में 25 यूनिट बन जाती है और ए ने 200 बनाई है, बी ने 250, सी ने 300. इनकी वेज रेट एक घंटे की 8 रुपए. 50% बोनस चल रहा है, रोवन लगाना है और अर्निंग जो है इसकी 8 दिन की दे रखी है. इफेक्टिव अर्निंग पर डे बनानी है, बतानी है. तो कोई दिक्कत नहीं, हम करना स्टार्ट करें. पर आर बताना है तो हम लोग कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17. मैंने 18 होमवर्क दिया है. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग बना रहा हूं उसकी. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17. पेज नंबर 66. क्वेश्चन नंबर 17. मैंने लिखा ए है, फिर बी है और सी है. हमारे पास इसने बनाई है कितनी? 200 यूनिट. इसने बनाई है 250 यूनिट और इसने बनाई है 300 यूनिट. 25 यूनिट पर आ, 25 यूनिट पर आ और 25 यूनिट पर आ अगर 200 यूनिट बनाई है 25 यूनिट पर आर के हिसाब से 200 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता? दो सौ डिवाइडेड बाय पच्चीस 8 घंटे. मिस्टर ए का टाइम अलाउड है 8 आवर्स. मिस्टर बी का टाइम अलाउड है 10 आवर्स और 300 डिवाइडेड बाय 25 12 और टाइम टेकन क्वेश्चन में चेक करो 8 आवर्स है. 8 आवर्स है भाई, तो 8 आवर्स लगा दो सारी चीज. एट आर लगा दिया हमने तो टाइम सेव क्या हुआ? यहां 0, यहां 2 घंटे, यहां 4 घंटे. अब फॉर्मूले लगाने लगा दो क्या आप? हाल से प्लान में लगा देना आप. टाइम टेकन इंटू वेज रेट प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट. जो भी आएगा उसको 8 आवर से डिवाइड कर देगा. जो भी आएगा 8 आवर से डिवाइड कर देना वेज रेट पर आ जाएगी. मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप कैलकुलेशन का पार्ट कर सकते हैं और इनकी वेज रेट पर आ जो दे रखी है वो दे रखी है 8 रुपए. तो ये हाल से था. रोवन से करना हो तो रोवन प्लान में रोवन का फॉर्मूला लगा देगा. टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट. यहां पर भी फॉर्मूला लगा देना, जो भी निकलेगा उसको 8 आवर से डिवाइड कर देना. 8 आवर से डिवाइड कर देना, 8 आवर से डिवाइड कर देना, इफेक्टिव वेज रेट पर आ जाएगा.
इफेक्टिव वेज रेट पर। तो ये पार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स ये पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, या एक का करके दिखा दूं मैं, चलो एक कर देता हूं। इसमें तो कुछ निकलना ही नहीं है भाई, इसमें तो 8 घंटे × 8 बोनस जीरो है। यहां तो इसको 8 × 8 64 रुपए मिलेंगे, बात खत्म। और एक घंटे की दिहाड़ी भी 8 रुपए बनेगी, इसमें भी 8 × 8 64 रुपए बनेंगे, क्योंकि इसे बोनस ही नहीं मिलना भैया। अब ये करोगे सारा ही हो जाएगा हमारे पास। चलो ये कर देता हूं मैं, 8 hours × 8 + ½ × 2 hours × 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 16 8 64 + 8 72 और 72 / 8 9 रुपए। ठीक, और अगर मैंने रोबन लगाया तो 8 × 8 + यहां पर कितना टाइम था, 8 hours / 10 × 8 × टाइम सेव कितना है, टाइम सेव 2 hours × 8। तो भैया 8/10 × 2 × 8 + 76.8 / 8 तो 9.6। बाकी आप ये कर सकते हो, लगभग मैंने कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन 17 ये रहा, आप कॉपी करना, उसके बाद हम 19 कर रहे हैं जल्दी से फटाफट। 19 में कुछ ज्यादा समय नहीं लगना, जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जल्दी कर ले फिर 19 पे आएंगे हम। हाल से और रोमन का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया आज, इसके एक क्वेश्चन 20 रह गया, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, 18 नहीं करा रहा। 18 आप खुद करोगे, कुछ तो करना नहीं है उसमें। चलते हैं हम आगे। 17 क्वेश्चन कहता है कि भाई, मैं 19 कहता है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हाल्स और रोवन। आवरली रेट हम 50 पैसे देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 dozen 3 hours, एक दर्जन यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, और एक्चुअल टाइम 20 दर्जन में 48 घंटे लगे। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसे खुद ही करना, मैं फॉर्मूले लगाने मैं वैसे सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 ये लो, टाइम अलाउड इसमें दे रखा है भाई, बोलता है एक दर्जन के लिए 3 hours,
तो 20 डजन के लिए कितना टाइम? 60 आवर्स टाइम टेकन कितना है इसका? टाइम टेकन है इसका 48 आवर्स। तो टाइम सेव आ गया 12 घंटे बाद खत्म। वेज रेट पर आ गया 50%। तो ये सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगाना है, हल से और रोमन लगा देना, फॉर्मूला रिपोर्ट करना, आंसर आ गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, देखो ना। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड वन डजन के लिए 3 आवर्स है, तो 20 दर्जन के लिए कितना होगा? 60 घंटे। 60 घंटे है लेकिन टाइम टेकन कितना? 48। तो 12 बचे हुए, फॉर्मूला लगा देना, सिखाया होगा। तो आज हम इतनी बात करते हैं, अगली क्लास के अंदर हम आगे चलेंगे, ठीक है, और इंसेंटिव सीखेंगे। तो आज के लिए इतना आप कर लीजिएगा, ओके, कॉपी कर लो उसे।